असलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम एक केस स्टडी के ज़रिए से मार्केट लिंकजिस मॉडल की एक्सप्लेनेशन आपके लिए करेंगे ये केस स्टडी जो है वो सदरन अफ्रीका से है सदरन अफ्रीका के हवाले से शायद आप जानते हों पॉवर्टी एक्सट्रीम है बहुत सारे लोग जो हैं वो एनुअल इनकम उनकी हंड्रेड यू डॉलर से कम है मतलब वो जो टू डॉलर की पॉवर्टी लाइन है उसके भी वो हाफ से भी नीचे कहीं रह रहे हैं इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ महदूद हैं जो एम्फोसिस है वो चूंकि इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो है वो नहीं है तो एम्फोसिस जो है वो कैश क्रॉप्स के ऊपर है कि ऐसी फसलें पैदा की जाएँ जिनकी ज़्यादा कीमत मिल सके जैसे कपास है जैसे ऑयल uh, वाले सीड्स होते हैं या और इस तरह की फसलें दिलचस्प बात यह है कि साउथर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ की 60 परसेंट से ज़्यादा लैंड जो है वो एरिड है मतलब वो कैश क्रॉप्स के लिए इतनी मौजूद नहीं है ऐसे में अगर कोई कैश क्रॉप जो है वो काश्त करता भी है कोई फसल किसान काश्त करता है तो वो वायबल नहीं है एक तो मौसम के हिसाब से और पानी वगैरह की फ्राहमी के हिसाब से ज़मीन की क्वालिटी के हिसाब से रिस्क है कि फसल कैसी होगी होगी या नहीं होगी और अगर हो भी जाए तो फिर वो उस फसल का क्या करेंगे उसको कौन खरीदेगा क्योंकि जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी जो उन क्रॉप्स की जहाँ पे ज़रूरत है या जहाँ पे उनकी कंजम्पशन है उन ग्लोबल मार्केट्स तक तो एक्सेस ही नहीं है अब हरारे से कोई सौ किलोमीटर दूर एक अफ्रीकन किसान जो है वो लंदन में एक जो कंपनी है मेकअप कंपनी है या पेरिस में कोई कॉस्मेटिक्स कंपनी है और वो कोई तेल इस्तेमाल करती है अपनी प्रोडक्ट्स में और वो किसान वो फसल पैदा कर रहा है जिससे वो तेल निकलता है तो वो तो उस कंपनी तक नहीं पहुंच सकता उसके तो ख़वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि ये तेल जो है वो कहीं कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम पर इतनी महंगी बिकती हैं दूसरी तरफ़ लंदन में या पेरिस में जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है उसको ओपन मार्केट से वही ऑयल इंतहाई महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है और वो पता नहीं कौन कौन से चैनल से होके उसके ऊपर और कीमत और कीमत ट्रांसपोर्टेशन की कीमत टैक्सेस इम्पोर्ट और ये वो सारा जो है लगा के उसके लिए वो शायद वायबल भी नहीं रहता कि वो उसको मुस्तकिल इस्तेमाल कर सके और अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके ऐसे में फाइटो ट्रेड अफ्रीका के नाम से एक सोशल एंटरप्राइज जो है वो सामने आती है जो कि मार्केट लिंकेजेस का मॉडल अडॉप्ट करते हुए इस किसान और इसकी क्रॉप और वो पेरिस या लंडन बेस्ड कंपनी को आपस में लिंक करवाते हैं फाइटो ट्रेड ने नोट किया कि लोकल फार्मर्स और उनकी कोऑपरेटिव्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं कैश क्रॉप्स या जो लोकल स्पीशीज़ हैं जिनको वो कल्टिवेट कर रही हैं जिनकी बहुत अच्छी यूटिलिटी हो सकती है वो एक्चुअली लंदन या पेरिस बेस्ड इस कंपनी को चाहिए लेकिन ना तो कंपनी को पता है कि इन प्रोडक्ट्स का इन स्पीशीज़ का ओरिजिन कहाँ पर है यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ में रूरल एरियाज़ में और ना ही उन प्रोड्यूसर्स को पता है कि इनकी कंजम्पशन कहाँ पर है यानी लंदन और पेरिस में तो फाइट्रोट्रेड ने लोकल स्पीशीज़ को लोकल प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये लिंकेजेस डेवलपमेंट का काम शुरू किया उनका जो मिशन है वो अफ्रीकन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करते हुए उनकी कंजर्वेशन करते हुए अफ्रीकन फार्मर्स और लोकल्स जो हैं उनके सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट करना और इंटरनेशनली नेचुरल प्रोडक्ट्स को बूस्ट देना है सो इट्स अ ह्यूज मिशन एंड इट हैज़ टू एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके दो हिस्से हैं इंटरनेशनली नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बूस्ट देना और लोकली जो लोकल प्रोड्यूस है जो लोकल स्पीशीज़ हैं ना सिर्फ उन्हें प्रिजर्व करना और वो प्रिजर्व किस सूरत में हो सकती हैं जब उनका कोई अच्छा इस्तेमाल हो वो पैसे जो कमाएं किसान वो उन स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें तो फिर ही उनको प्रिजर्व किया जा सकता है वाइटो ट्रेड ने तकरीबन छः सात जो साउथर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं हरारे में उसका हेड ऑफ़िस है लेकिन वो देहातों में जो किसानों की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं एसोसिएशंस बनी हुई हैं उन तक उनकी एक्सेस है दूसरी तरफ इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ दोनों को आपस में लिंक करते हैं साथ वो जैसे हमने इस मॉडल की पिछले मॉड्यूल में बात की थी कि उनको रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि किसान या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या जो मुतल लोग हैं वो रिसर्च कर सकें स्पीशीज़ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है किसान ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं उनकी सोशो अकनॉमिक अपलिफ्ट कैसे हो सकती है और दूसरी तरफ कौन सी कंपनीज कहाँ किस नेचुरल प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करती हैं और उनको वहाँ पे लाना और दोनों को बायर्स और सेलर्स को आपस में लिंक करना ये काम उसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फाइटो ट्रेड ने इंट्रोड्यूस कराए हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शायद लोकल फार्मर के लिए ख़ुद से मेनटेन करना मुश्किल हो लेकिन अगर कोई उसे गाइड और एजुकेट और ट्रेन कर सके कि आप अपने आपने अपनी प्रोड्यूस को कैसे कल्टिवेट करना है कैसे उसको कलेक्ट करना है कैसे उसको पैक करना है कैसे भेजना है तो उसको ज़ाहिर है उस पर बेहतर रेवनीूज़ मिलेंगे इसी तरह इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो एक दफ़ा कोई चीज़ ले कर उसका अगर वो देखती हैं कि उसका स्टैंडर्ड बेहतर है तो वो दोबारा वहीं उस चीज़ को बाय करने के लिए आती हैं तो ये जो क्लियरिंग हाउस टाइप सर्विस है साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से ये फाइट्रो ट्रेड किसानों को देता है और कंपनीज़ को और दोनों को ये प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है जो सरप्लस आता है उससे फाइट्रो ट्रेड ने अब बहुत सारी सोशल सर्विसेज जिसमें हेल्थ एजुकेशन किसानों की फैम किसानों और किसानों की फैमिलीज के लिए और ऑफ कोर्स नेचुरल जो इन्वायरमेंट है अफ्रीका का फ्लोरा एंड फोना है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं थैंक यू